हेलो एवरीवन। तो अपनी एनसीईआरटी की क्लास 11 इकोनॉमिक की सीरीज़ शुरू करते हुए तो हम लोग 8 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। तो जहाँ पर अभी तक हमने देखा था कि इकोनॉमी में हम लोग किस तरह से कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या पॉलिसीज बना सकते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड सारी चीज़ें कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, किस तरह से हमें अपने पॉलिसीज़ बनानी, ये सब अभी तक हम कंप्लीट करते आए हैं। अब इसके बाद ज़रूरी हो जाता है ये देखना कि ये जितनी हमारी प्रोडक्टिविटी हो रही है क्या इसकी कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या ये किसी कॉस्ट पर हो रही है। इस कॉस्ट को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी आप कुछ कर रहे हैं उस करने के चक्कर में जो आप लूज़ कर रहे हैं, यानी आपका जो लॉस हो रहा है उसकी जो कॉस्ट होती है वो कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो वर्दी है, और इस इकोनॉमिक प्रोडक्शन के बदले में हम क्या स्टेक पर लगा रहे हैं, तो इस चैप्टर 9 में उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो हम सब समझते हैं कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उसमें कहीं ना कहीं हम अपने इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो क्या ऐसे कोई तरीके हो सकते हैं, इस तरह का कोई डेवलपमेंट हो सकता है कि इकोनॉमी को भी कम नुकसान पहुँचे और हम आगे बढ़ते रहें। तो चैप्टर 9 इन्हीं सब टेक्निक से डील करता है, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ऐसी डेवलपमेंट जो सस्टेन करें। सस्टेन का मतलब है जो ठहर पाएँ, यानी ऐसी डेवलपमेंट जो कुछ और नुकसान ना कर रही हो जबकि हमारी इकोलॉजी को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। तो आगे शुरू करते हैं। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट वी हैव अचीव्ड सो फार हैज़ कम एट अ वेरी हैवी प्राइस, इसके लिए हमने बहुत कीमत चुकाई है इन्वायरमेंटल क्वालिटी की। जैसे जैसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन में आगे बढ़े तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बढ़ी, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि इसके एडवर्स, इसके निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी डेवलपमेंट हुए हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट पे हुआ है। एंड कॉन्शियसली चूज अ पाथ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसलिए अब ज़रूरत है कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पाथ चूज़ करें, और इसमें हमने काफ़ी प्रयास भी किए हैं। अब अनसस्टेनेबल पाथ ऑफ डेवलपमेंट को समझने के लिए दैट वी हैव टेकन एंड द चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जो हम अनसस्टेनेबल पाथ को यूज़ कर रहे थे वो क्या था, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो ये पूरा चैप्टर इसी के अराउंड घूमता रहेगा। अब इस चैप्टर में शुरू का काफ़ी पोर्शन इन्वायरमेंट का है, इकोलॉजी का है, तो मैं कोशिश करूँगा हम इन्वायरमेंट में कम जाएँ, इन्वायरमेंट को इकोनॉमी से ज़्यादा रिलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। तो हमारा फोकस रहेगा कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स इसके क्या हैं, इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए इन्वायरमेंट को कैसे जोड़ सकते हैं, हम उसी पर ज़्यादा चर्चा करेंगे रैदर देन इसकी डीप टेक्निकलिटी में जाने से बेहतर है हम इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी अगर आपको इसकी डीप टेक्निकलिटी में जाना है तो आप इन्वायरमेंट में पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हैं, वहाँ आपको इसकी डीप नॉलेज मिल जाएगी। तो इंट्रोडक्शन के बाद अब देखते हैं कि इन्वायरमेंट होता क्या है। इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लेनेटरी इनहेरिटेंस एंड द टोटैलिटी ऑफ ओल्ड ऑल रिसोर्सेज, यानी जितना भी इस प्लैनेट से हमने इनहेरिट किया है, जैसे ट्रीज हुए, ट्रीज से वोट्स मिलती हमें, और जितने भी आपके और आपके जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं, ये सब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से मिले हैं। वाटर है आपका, सनलाइट है, ये सब हमें इस प्लैनेट पे मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इस प्लैनेट का पार्ट है, यानी हमने अपने प्लैनेट से इनहेरिट किया। एंड द टोटैलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में आपके बायोटिक एंड अबायोटिक। अब बायोटिक कौन से होते हैं, जितने भी लिविंग रिसोर्सेज होते हैं, जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब आपके बायोटिक में होंगे। और अबायोटिक में कौन से होते हैं, जितने भी नॉन लिविंग रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि आपके सनलाइट है, रॉक्स हैं, विंड है, सॉइल है, तो ये सब आपके किस में काउंट होंगे, अबायोटिक। अब इन्वायरमेंट के फंक्शंस देख लेते हैं, कुछ चार फंक्शंस दिए हैं। इट सप्लाइज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में क्या क्या आ गए, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो कि मतलब ख़त्म नहीं होते हैं, एक बार आप उनको जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे वो फिर से ग्रो करते जाएंगे, जैसे कि आपका वुड आप यूज़ करेंगे उसके बाद वो फिर ग्रो करेगा। कुछ होते हैं नॉन रिन्यूएबल, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स,
कोल, पेट्रोलियम, ये सब आपके किस में आ जाएंगे? नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की हम लोगों ने थोड़ी चर्चा लास्ट चैप्टर में करी थी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इट एसिमिलेट्स वेस्ट, यानी जो भी हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं इसको यूटिलाइज करना, ये भी इन्वायरमेंट का काम होता है। जैसे मान लीजिए ऑटम सीजन में क्या होता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वो पत्ते ऐसा तो है नहीं कहीं हम उन्हें रीयूज कर रहे हो, वो पत्ते वहीं ज़मीन में पड़े पड़े अपने आप डीकम्पोज हो जाएंगे और सॉइल का एक पार्ट बन जाएंगे। यानी नेचर अपने वेस्ट को कहीं ना कहीं खुद एसिमिलेट करता है, लेकिन ये सिर्फ अपने वेस्ट को करता है। अपना वेस्ट इसका कौन सा हुआ? ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी ऑर्गेनिक वेस्ट को ये खुद से जानता है कि इसको कहाँ एसिमिलेट करना है, यानी इसको कहाँ यूटिलाइज करना है, कहाँ इसको ठिकाने लगाना है। और जहाँ पे इनऑर्गेनिक वेस्ट आता है उसका ये कुछ नहीं कर पाता है, या कर भी पाता है तो ये प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लास्टिक, प्लास्टिक हम जानते हैं डिकम्पोज नहीं हो पाती है, होती भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, और जिस स्पेस से हम लोग प्लास्टिक ग्रो कर रहे हैं उस स्पेस से हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इट सस्टेन्स लाइफ बाई प्रोवाइडिंग जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट में डाइवर्सिटी प्रोवाइड करना है, यानी कि जो स्पीसीज हैं स्पीसीज़ की वैरायटी पैदा करना, यानी इन्वायरमेंट का काम रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज़ को बनाए रखना। क्योंकि अगर आप इकोलॉजी पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे कि जितनी ज़्यादा स्पीसीज़ होंगी इन्वायरमेंट के सस्टेन रहने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे, और जितनी ज़्यादा स्पीसीज कम होती जाएंगी इन्वायरमेंट के चेंज होने की जो इन्वायरमेंट के ख़त्म होने के भी जो चांसेस हैं, इकोलॉजी के ख़त्म होने के भी जो चांसेस हैं वो भी बढ़ते जाएंगे जितनी तेज़ी से हमारी स्पीसीज ख़त्म होगी। और आज हम लोग जानते हैं कई सारे इन डाइवर्सिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कई सारे कन्वेंशन बने, जैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इस तरह के कन्वेंशन इंडिया में भी बहुत सारे इसके लिए कानून बनाए गए हैं ताकि हम जो हमारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं उनको बचा सकें। इसके लिए स्पीसीज को कैटेगराइज भी करते हैं, एक्सटिंक्ट, वल्नरेबल, इस तरह से कैटेगराइज भी करा जाता है। तो मेन टारगेट हमारा रहता है कि स्पीसीज का जो एक्सटिंक्शन है उन्हें रोकें, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीसीज की डाइवर्सिटी रहेगी उतना ही ज़्यादा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के सस्टेन करने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज। अब एस्थेटिक होता है लुक, कि किसी भी चीज़ का लुक कैसा है। अब एस्थेटिक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी इन्वायरमेंट आपको एक अच्छा लुक भी प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा लुक कैसे प्रोवाइड कर रहा है? लाइक प्रोवाइडिंग अ सीनरी। आपने देखा होगा कई सीनरी जो बनती हैं नेचर की, वो काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, ये टूरिज़्म को भी बढ़ावा देती हैं। आप कभी केरला साइड जाके देखिए, वहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत सी सीनरी मिलेगी, जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ दिन बिताना चाहिए, कुछ दिन टूरिज़्म करना चाहिए। तो एक तरीके से ये क्या है, ये इसका ब्यूटी पार्ट है जो आपको शो हो रहा है, इसी को कहते हैं एस्थेटिक सर्विसेज। यानी ये आपको एक ब्यूटी भी प्रोवाइड करती हैं अर्थ को। अब इन्वायरमेंट इज एबल टू परफॉर्म दिस फंक्शन विदाउट एनी इंटरेप्शन एज लॉन्ग एज द डिमांड ऑन द फंक्शन इज विद इन इट्स कैरिंग कैपेसिटी। यानी इन्वायरमेंट अपने ये चार फंक्शन तभी कर सकता है जब तक कि जो ये इनकी जो डिमांड है वो इनकी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर हो। कैरिंग कैपेसिटी यानी कि आप मान लीजिए जितना आप इन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और जिस रेट से वो ग्रो रीग्रो कर रहे हैं, तो आपका जो यूज़ करने का रेट है वो रीग्रो के रेट से कम होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपका जो स्पीसीज़ का ग्रो करने का रेट है इतना रिसोर्सेज का, और आपका यूज़ करने का रेट है इतना, तो अब मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ग्रो कर मान लीजिए दिन में 10 रिसोर्सेज क्रिएट हो रहे हैं, बट आप तो
20 के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये 10 का जो लैक है ये आपके एनवायरनमेंट में एक बर्डन क्रिएट करेगा। आप रिसोर्सेज ज़्यादा तेज़ी से खर्च कर रहे हैं बट वो रीजनरेट उतनी तेज़ी से नहीं हो पा रहे हैं, तो उस वजह से क्या होगा, एनवायरनमेंट में एक बर्डन पड़ेगा और एनवायरनमेंट ये चार फंक्शंस परफॉर्म करने के काबिल नहीं रह पाएगा। वही लिखा है, दिस एम्प्लाइज दैट द रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इज नॉट अबव द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड द वेस्ट जनरेटेड आर विद इन द एसिमिलेटिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। यानी कि जो रेट ऑफ रीजनरेशन है वो आपका जो रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन है उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं रहना चाहिए। वैन दिस इज नॉट सो एनवायरमेंट फेल्स टू परफॉर्म इट्स थर्ड एंड वाइटल फंक्शन ऑफ लाइफ सस्टेनेंस एंड दिस रिजल्ट इन एन एनवायरमेंटल क्राइसिस। अगर एनवायरमेंटल क्राइसिस आएगी तो हमारा एनवायरमेंट में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और यही आज के वक्त में सिचुएशन है। काफ़ी रिसोर्सेज एक्सटिंक्ट हो गए हैं, काफ़ी बायोलॉजिकल स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं, और जो वेस्ट जनरेट होता है वो बियॉन्ड द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। अभी हमने देखा आपका जो भी वेस्ट है वो एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं डिकम्पोज वगैरह करके एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन वेस्ट हमने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि उसकी जो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है, एब्जॉर्ब करने की जो लिमिट है वो भी कम पड़ गई है। यानी इतना ज़्यादा हमने वेस्ट क्रिएट कर दिया है, तो अब वो वेस्ट कहीं ना कहीं इधर उधर घूम घाम के वो भी एक तरीके का पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। द पास्ट डेवलपमेंट इज पॉल्यूटेड एंड ड्राइड अप रिवर्स एंड अदर एक्वीफर्स मेकिंग वाटर एन इकोनॉमिक गुड। अब पहले जो हमारी डेवलपमेंट हुई यूरोपियन टाइम से, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चलते आ रहे हैं, उसकी वजह से क्या हुआ है, आपका पॉल्यूशन लेवल बहुत बड़ा है, इंडस्ट्रीज बढ़ी तो इंडस्ट्रीज ने स्मोक वगैरह निकाला, व्हीकल्स चले उनसे स्मोक निकला, तो उन सब ने मिलकर एक पॉल्यूशन लेवल बहुत बढ़ा दिया। पॉल्यूशन आपका जो और जो वो टॉक्सिक सब्सटेंस है इंडस्ट्रीज, वो क्या करती है रिवर्स में डिस्चार्ज कर देती है, जिससे रिवर्स में भी टॉक्सिफिकेशन हुआ है, रिवर्स भी आपकी क्या कहते हैं दूषित हुई हैं। उसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सूखा पड़ना शुरू हो गया है। तो पास्ट डेवलपमेंट इज पॉल्यूटेड एंड ड्राइड अप रिवर्स एंड अदर एक्वीफर्स। एक्वीफर्स क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड जो पानी होता है वो आपका एक्वीफर्स में होता है। ये आप डीपली ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, एक्वीफर्स से अभी आपको बस इतना समझना है, जो अंडरग्राउंड में पानी की बात कर रहे हैं ये। तो ये सब एक तरीके के इसने इन सब ने पानी को भी एक इकोनॉमिक गुड बना दिया है। यानी अब जो चीज़ कम हो जाएगी तो वो तो बिकने लगेगी, इसीलिए तो अब हम वाटर टैक्स देते हैं। अगर गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पानी हो, पानी की कमी ना हो, तो गवर्नमेंट वाटर टैक्स नहीं लेगी। बिसाइड्स द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ बोथ रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैज एग्जॉस्टेड सम ऑफ दीज। अब जो इनकम इंटेंसिव यानी बहुत तेज़ी से बहुत एग्रेसिवली जो हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन करा है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, इस वजह से इनमें से कुछ एग्जॉस्ट भी हो चुका है। अब जैसे रिन्यूएबल में आपका वाटर है, तो वाटर का हमने इतना इंटेंसिव यूज़ करा है कि आज वाटर स्कैर्सिटी है। ऑल्दो वाटर इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स, लेकिन फिर भी वाटर का इतना एग्रेसिव यूज़ है कि जितनी तेज़ी से हम इसका यूज़ कर रहे हैं उतनी तेज़ी से ये अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पा रहा है। अब पॉल्यूशन बढ़ेगा तो इन सब से क्या प्रॉब्लम बढ़ेगी, हेल्थ कॉस्ट बढ़ेगी, हेल्थ क्राइसिस आएगी, एयर और वाटर क्वालिटी में डिक्लाइन होगा, तो इनडायरेक्टली ये आपका हेल्थ पे इम्पेक्ट करेगा। और ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज, ओजोन डिप्लेशन जैसे इश्यूज। अब ओजोन डिप्लेशन क्यों होता है, ओजोन डिप्लेशन आपका होता है फ्लोराइड्स की वजह से, जैसे आपका CFCs होते हैं, क्लोरीन की वजह से होता है एक तरीके से, जो आपका क्लोरीन होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, इसमें जो क्लोरीन होता है ये आपका ओजोन लेयर से जाके इंटरेक्ट करता है, और जो ओजोन लेयर है कुछ ऐसी होती है, इसको जाके ये मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देता है और एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बना लेता है। तो यहाँ पर जो एक ओजोन लेयर होती थी उसका कुछ हिस्सा ये डिप्लीट कर देता है, तो अब यहाँ पर कोई ओजोन लेयर नहीं है। और हमारे इन्वायरमेंट के लिए ओजोन लेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर से आने वाली जितनी भी यूवी रेज हैं उससे ये हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। तो ओजोन लेयर की अपनी ही एक अलग विशेषता है। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन,
से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो उससे क्या होगा, यूवी रेज आपकी डायरेक्ट इन्वायरमेंट में पहुंच रही हैं, उससे आपको स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेंगी। स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और भी आपके क्या कहते हैं, अभी हमने देखा एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, यानी कहीं ना कहीं ये सब हेल्थ क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हेल्थ क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी और भी स्टेप्स उठाए हैं। एक यूएन इंटरनेशनल लेवल पे यूएनएफसीसीसी बना है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक बॉडी है जो क्लाइमेट चेंज से डील करती है। उसी के साथ गवर्नमेंट इंटर गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, हर साल क्लाइमेट के लिए इन पे मीटिंग होती है, और ये अपने अपने हर कंट्री रेजोल्यूशन रखती है कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्वायरमेंट की क्लाइमेट चेंज से भी फाइट कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने का तरीका बदलें, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी। इसके बाद है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टू मीट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन थिंग्स चेंज। द रिजल्ट वाज द डिमांड फॉर द रिसोर्सेज फॉर बोथ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन वेंट बियॉन्ड द रेट ऑफ रीजनरेशन एंड द ऑफ द रिसोर्सेज। द प्रेशर ऑन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट इंक्रीज ट्रिमेंडसली। अब जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऐसी चीज़ है कि इसकी वजह से आपका डिमांड ज़्यादा बढ़ी, डिमांड बढ़ने से आपका जो रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन था वो बढ़ गया, रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन बढ़ गया और रीजनरेशन रेट तो अपना कांस्टेंट ही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक गैपिंग आ गई, यानी एक कमी होने लगी और इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज की, और इस वजह से आपके इन्वायरमेंटल क्राइसिस जनरेट हो रही हैं। यानी मेन रीज़न आपका ये है कि आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है और रिसोर्सेज हमारे फिक्स हैं, जिस वजह से रिसोर्सेज पे बर्डन बढ़ता है, और जब रिसोर्सेज पे बर्डन बढ़ेगा तो आपका कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्रिएट होंगी। दूसरा रीज़न है एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से इंडस्ट्रीज लगी, और इंडस्ट्रीज ने सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आपका इकोनॉमी के अलावा किसी चीज़ में किया है, तो वो है पॉल्यूशन। एक तो इन्होंने एयर पॉल्यूशन बहुत करा है, दूसरा इन्होंने जो इनका कई इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपना वेस्ट डायरेक्ट रिवर्स में डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन भी हमें फेस करना पड़ता है। और कई ऐसे भी होते हैं, जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट में वेस्ट में फ्लाई एशिश निकलती हैं। अब ये फ्लाई एशिश ह्यूमन के लिए बहुत नुकसानदायक हैं, ये लंग्स में जाती हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जो कि इंसान की ज़िंदगी कम से कम 10 साल घटा देती है, जो उस एरिया के आसपास के रहने वाले लोग हैं, तो ये हमारी लाइफ पे भी असर कर रही हैं ये सब चीज़ें। आगे देखते हैं स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट। अब ये सब तो बात होगी इन्वायरमेंट ही गया, अब इंडिया में इन्वायरमेंट कैसा है, तो वी मस्ट बी प्राउड कि हम ऐसे कंट्री में जहाँ पे इन्वायरमेंट की डाइवर्सिटी है, क्लाइमेट की डाइवर्सिटी है, स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। हमारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत वास्ट है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, रिच क्वालिटी ऑफ सॉइल है, हमारा जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पे एलुवियल सॉइल है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल कहते हैं उसे, रिवर्स बहुत हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत हैं, बहुत ही ग्रीन फॉरेस्ट हैं, मिनरल डिपॉजिट्स हैं, इंडियन ओशन का एक वास्ट स्ट्रेच है, रेंजेस ऑफ माउंटेंस एक्सेट्रा, तो हमारे पास हम नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा धनी कंट्री हैं, वी आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन जो हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उन्होंने इन सब फाइनाइट नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा असर करा है, बिसाइड्स क्रिएटिंग इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग। अब ये जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उन्होंने ह्यूमन हेल्थ और वेलबींग पे भी असर करा है, और फाइनाइट नेचुरल रिसोर्सेज पे भी करा है। जो प्रायोरिटी इशूज़ हैं, यानी मेन इशूज़ क्या हैं इन्वायरमेंट के, उनको कैटेगराइज किया, तो वन बाय वन देखते हैं। पहला है लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन थोड़ा और आगे आराम से पढ़ेंगे। एक है बायोडाइवर्सिटी लॉस, और फिर है एयर पॉल्यूशन, मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट।
लैंड डिग्रेडेशन अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी लॉस देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस वही जो स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो रहा है, ये एक बड़ा चैलेंज है। एयर पॉल्यूशन जो इंडस्ट्रीज़ की वजह से हो रहा है और जो व्हीकल एमिट करते हैं अर्बन सिटीज़ में उसकी वजह से हो रहा है। फ्रेश वाटर का मैनेजमेंट, यानी कि जो पानी की खपत है वो बहुत ज़्यादा है। इरिगेशन में हम लोग इनएफिशिएंटली पानी यूज़ करते हैं, यानी जितना हमें पानी यूज़ करना चाहिए उससे ज़्यादा किसान पानी यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें नई टेक्निक्स की ज़रूरत है। लाइक जापान में अगर राइस कल्टीवेशन होता है तो वो जितना पानी यूज़ करते हैं उनके मुकाबले हम जितना पानी यूज़ करते हैं कुछ नहीं तो कम से कम 5 to 6 times हम ज़्यादा ही पानी यूज़ करते हैं। तो हम उनसे टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं कि किस तरह से पानी को वहाँ फार्मिंग में बचाएं। इस तरह से और भी टेक्निक्स हैं जिस पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है। जैसे अब गवर्नमेंट चाहती है कि शुगर केन की फार्मिंग कम हो, क्योंकि शुगर केन भी काफ़ी हद तक आपका इरिगेशन में पानी कंज्यूम करता है। तो इस तरह के स्टेप्स और पानी का एक इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि एक जगह तो फ्लड आती है और एक जगह सूखा पड़ता है, तो इसका मतलब पानी का कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हो रहा है। अगर जहाँ फ्लड आ रही है तो वहाँ का अगर हम पानी यूटिलाइज़ कर पाएँ जहाँ पर आपका सूखा पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम थ्रू आउट द कंट्री एक वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है उससे डील कर सकते हैं। और हमारा ग्राउंड वाटर भी बहुत तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है, क्योंकि हमारा कंजप्शन ज़्यादा है और ग्राउंड वाटर को भरने में सालों लग जाते हैं। नेक्स्ट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी हम वेस्ट करते हैं क्या ये इन्वायरमेंट में वापस से डीकम्पोज हो रहा है या फिर कहीं एक जगह इकट्ठा हो रहा है? तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप कभी गूगल पे सर्च करिएगा दिल्ली की लैंडफिल, तो आप पाएंगे उस वहाँ की जो लैंडफिल है ऐसा लगता है कि वो माउंटेन है, लेकिन वो माउंटेन नहीं है, वो एक कचड़े का बहुत बड़ा सा ढेर है, बहुत बड़ा सा। तो ये हमें दिखाता है कि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कितना पीछे हैं। हमने अपने वेस्ट को बहुत ही बुरी तरह से फैला रखा है, उसको मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वेस्ट सड़ेगा तो मीथेन जैसी गैसेस बनाएगा और वो थोड़ा सा फ्लेमेबल होती हैं, तो कई बार हो सकता है ये यहाँ पर आग वगैरह लगने के भी चांसेस हो जाते हैं। अब लैंड डिग्रेडेशन के लिए फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल हैं? लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है लैंड की क्वालिटी को घटना। यानी मान लीजिए कोई ज़मीन है, पहले ये उपजाऊ थी, यहाँ पर आपकी फसल उग पाती थी, लेकिन खेती करने के साथ साथ काफ़ी केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करने से यहाँ की जो सॉइल क्वालिटी घटती गई, अब ये ज़मीन बंजर हो गई, अब यहाँ पे लैंड का कल्टीवेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसी को कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। अब लैंड डिग्रेडेशन से फ़र्क क्या पड़ रहा है कि आपकी जो ज़मीन जहाँ पे खेती हो सकती थी वो घटती जा रही है, तो वो ज़मीन घटेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी घटेगी, तो हम अपनी कंट्री को फूड सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे, हर एक पर्सन को अनाज कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे, ये बड़ा चैलेंज क्रिएट हो जाता है लैंड डिग्रेडेशन के साथ। अब कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? लॉस ऑफ वेजिटेशन अकरिंग ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। अब एक तो आपकी जो फॉरेस्ट हैं जहाँ पे हमको कई रिसोर्सेस मिलते हैं, उनको काट के आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या फिर कोई हाईवे बना रहे हैं, एक फैक्टर तो ये हो गया। अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड एंड फॉडर एक्सट्रैक्शन, यानी आपका जो गांव वगैरह में क्या होता है, लकड़ी काटी जाती है फ्यूल के लिए, और जो चारे का अपने जानवरों के लिए वो लोग जो चारे का यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं अनसस्टेनेबल है, यानी उनका तरीका गलत है, उसको उन्हें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि आपने मान लीजिए एक ज़मीन है, इसके इतने टुकड़े कर लिए, फिर आपने यहाँ फॉरेस्ट था, यहाँ पर आग लगा के ये फॉरेस्ट क्लियर करा, यहाँ पर एग्रीकल्चर करा, ठीक है, फिर आपने अगली बार क्या करा, ये एरिया छोड़ के इस एरिया पे एग्रीकल्चर करा, फिर अगली बार इस पे करा, फिर इस पे करा, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर जब आप इतना कर चुके होंगे तो फिर ये ज़मीन फिर से उपजाऊ बन जाएगी, तब तक क्योंकि हर बार हम लोग जो खेती करते हैं उसके बाद उस ज़मीन की जो फर्टिलिटी होती है उस पर फ़र्क पड़ता है, तो जब तक
और फिर अगर हम उसको छोड़ दें तो कुछ टाइम बाद वो फिर से फर्टाइल बन जाती है। तो अब जब ये कुछ टाइम बाद हम फिर इस पे वापस जाएंगे तो ये अपनी फर्टिलिटी तब तक रिगेन कर चुकी होगी, तो हम ये वापस इस पे कल्टीवेशन करेंगे। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड। अब फॉरेस्ट को ख़त्म करने के आप देख रहे हो कितने तरीके हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, आपने फॉरेस्ट को जलाया, उतना हिस्सा क्लियर करा। अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड एंड फॉडर एक्सट्रैक्शन, इसमें भी फॉरेस्ट को नुकसान होता है, लकड़ी जो काटी जाती है। वेजिटेशन का लॉस होता है अगर आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं कोई भी वहाँ पे फैक्ट्री बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए या फिर हाईवे वगैरह बनाने के लिए। इंक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड, आप वहाँ पर मान लिए इलीगली किसी फॉरेस्ट की ज़मीन को हड़प लेते हैं। फॉरेस्ट फायर्स एंड ओवर ग्रेजिंग, अगर आपको याद हो अभी कुछ टाइम पहले अमेजॉन फॉरेस्ट, जिनको वर्ल्ड के लंग्स भी कहे जाते हैं, दुनिया के सबसे डेंस फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर फायर लगी थी, तो एक बहुत ही चिंता का विषय हो गया था। क्योंकि अगर अमेजॉन के फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास जो हमारा इन्वायरमेंट है उस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ट्रीज़ का सबसे बड़ा काम क्या है, वो हमें ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, तो ऑक्सीजन की भी तो कमी हो सकती है। अब फॉरेस्ट फायर्स एंड ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग मतलब आपने जानवर छोड़ दी, अब वो जानवर हद से ज़्यादा ही चारा खा गए तो वो जंगल एक तरीके से बंजर बंजर हो जाएंगे। और फॉरेस्ट फायर का बहुत बड़ा रोल रहता है, अगर एक बार मान लीजिए कहीं हल्की सी भी अगर चिंगारी लग गई और सब फ्लेमेबल होते हैं फॉरेस्ट, तो वो धीरे धीरे पूरे जंगल में आग पकड़ के पूरे जंगल को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं। नॉन अडेप्ट एडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, यानी आप जब हम खेती वगैरह करते हैं तो जो सॉइल को कंजर्व करने के लिए हम कोई बेहतरीन टेक्निक यूज़ नहीं करते हैं, हम वही कन्वेंशनल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं जो उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को घटाते रहते हैं। इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन यही काइंड ऑफ क्या होता है, आपने मान लीजिए दो हिस्से हैं, इस बार इतने हिस्से में कल्टीवेशन किया, अगली बार इसमें किया, फिर इसमें किया, फिर इसमें किया, तो इसमें भी कुछ इनएफिशिएंसीज हैं, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, अब यही एग्रोकेमिकल्स जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी घटा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे जो फूड में न्यूट्रिएंट्स है उसमें भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम, जैसे पहले भी कहा था इंडिया में जो इरिगेशन है बहुत इनएफिशिएंट है, यानी मान लीजिए किसी एक एरिया में तो इरिगेशन फैसिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल है तो वो हद से ज़्यादा यूज़ करेंगे, और किसी एरिया में इरिगेशन फैसिलिटीज़ कम है तो उनको जितनी मिनिमम यूज़ भी करनी चाहिए उनको उतना भी पानी नहीं मिल पाता, जिसके वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी तो घट गई, और जितनी ये मान लीजिए 10 लीटर पानी में भी प्रोडक्टिविटी दे सकते थे, ये 50 लीटर पानी यूज़ कर लेंगे। अब इनको भी 10 लीटर की ज़रूरत थी लेकिन इनको सिर्फ 5 लीटर मिला, तो इनकी प्रोडक्टिविटी घट गई और इन्होंने 50 लीटर यूज़ करके कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पाए। तो कहीं ना कहीं जो इरिगेशन सिस्टम है उसकी भी इम्प्रॉपर प्लानिंग है। एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इन द कॉम्पिटिंग यूज ऑफ लैंड फॉर फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर पेस्चर्स ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज एक्सर्ट एन इनॉर्मस प्रेशर ऑन द कंट्रीज फाइनाइट लैंड रिसोर्सेज। अब जो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन होता है वो भी इम्पैक्ट करता है कंट्री के फाइनाइट एंड लैंड रिसोर्सेज पर। इसको भी थोड़ा आप देखें तो कॉम्पिटिंग यूज़ ऑफ लैंड फॉर फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर पेस्चर्स ह्यूमन सेल्स, यानी जो भी हमारा ग्राउंड वाटर है अगर ये धीरे धीरे कम हो जाएगा तो फिर हम इरिगेशन किससे करेंगे, फिर हम अपने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए कौन सा वाटर यूज़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो इतनी तेज़ी से एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रीज वगैरह में ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है ये भी एक चिंता का विषय है, और इससे भी कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेडेशन रिलेटेड है। ओपन एक्सेस रिसोर्स, यानी हर कोई आए और यूज़ कर सकता है, कोई कंट्रोल नहीं है इसमें। पॉवर्टी ऑफ द एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पीपल,
यानी जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट लोग हैं उनकी पॉवर्टी भी एक रीज़न है। अब उनकी पॉवर्टी कैसे रीज़न है कि वो अगर जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट लोग पुअर हैं तो वो कन्वेंशनल या ओल्ड टेक्निक्स यूज़ करेंगे, जहाँ पर आप केमिकल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ज़्यादा पानी वगैरह यूज़ कर रहे हैं। अगर वो लोग थोड़ा डेवलप हों तो नई टेक्निक्स यूज़ करें, थोड़ी नई टेक्निक सीखें, जिससे वो और बेहतर टेक्निक्स का यूज़ करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। तो ये कहीं ना कहीं पॉवर्टी भी इज़ द रीज़न। इन इंडिया एयर पॉल्यूशन इज़ वाइड स्प्रेड इन अर्बन एरियाज वेयर व्हीकल्स आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स। वही हम ये पहले भी देख चुके हैं, एयर पॉल्यूशन किसकी वजह से, व्हीकल्स की वजह से, इंडस्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स की वजह से। थर्मल प्लांट्स में फ्लाई ऐश का सबसे बड़ा इशू है। इंडिया इज़ वन अमंग द टॉप 10 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशंस इन द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, पॉल्यूशन एंड द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स भी बढ़ रहा है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, मान लीजिए कोई शहर बना तो वहाँ पे पहले अगर गवर्नमेंट प्लान करती तो यहाँ पे प्रॉपर सड़कें होती हैं, प्रॉपर आपका जो सीवर मैनेजमेंट सिस्टम है वो प्रॉपर होता, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो एक इंडस्ट्री मान लीजिए लगी और उसके अराउंड अराउंड इस तरह से लोग रहना शुरू कर दिए, तो कोई एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, ना ही कोई ढंग की पाइपलाइन बिछ पाई है, ना ही कोई आपका सीवर मैनेजमेंट प्रॉपर हो पाया है। व्हीकल ज़्यादा बढ़ने से एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ा है, पॉल्यूशन बढ़ा है। तो अब ये सब हमने परेशानी देखी, तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ऐसा डेवलपमेंट दैट विद अलाउ ऑफ ऑल फ्यूचर जनरेशंस टू हैव अ पोटेंशियल एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट इज़ एटलीस्ट एज हाई एज दैट विच इज़ बीइंग एन्जॉयड बाय द करेंट जनरेशन। यानी कि हम इस तरह से तरक्की करें ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन हो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कम से कम इतनी अच्छी तो हो जैसे कि हम आज रह रहे हैं। यानी ऐसा ना हो कि आज हम सारे रिसोर्सेज यूज़ कर पाएँ और फ्यूचर जनरेशन आके खुले में हवा सांस भी ना ले पाए, ऐसा ना हो कि उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़े। यानी जैसे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ यूज़ कर रहे हैं, रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, ऐसा मौका हमें उन्हें भी देना चाहिए। इसी के लिए यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इन्होंने भी इस तरह से डिफाइन करा है कि डेवलपमेंट ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जो कि प्रेजेंट जनरेशन की ज़रूरतों को पूरा करे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी फ्यूचर जनरेशन की जो ज़रूरत है उससे कॉम्प्रोमाइज करे बगैर अगर हम अपनी प्रेजेंट जनरेशन की ज़रूरतें पूरे कर पा रहे हैं तो उस तरह के डेवलपमेंट को कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट वो हो जाएगा जिसमें आज आप तो तरक्की कर लेंगे लेकिन वो आपका डेवलपमेंट कल कहीं ना कहीं कॉलैप्स हो जाएगा, उसकी नींव मजबूत नहीं होगी, उस पर ज़रा सा भी शॉक पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो आपकी ये बिल्डिंग्स का मतलब नहीं रहेगा। अगर ट्रीज ख़त्म हो जाएंगे तो आपकी बिल्डिंग्स क्या करेंगी, क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन लेने के लिए नहीं होगी। जस्ट लाइक द अभी कुछ टाइम पहले दिल्ली का अगर आपको केस पता होगा कि दिल्ली जैसे लोग में जहाँ पर लोग अपने बेटर फ्यूचर के लिए जाते हैं वहाँ पर लोग सांस लेने में भी तकलीफ़ महसूस कर रहे थे, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि एक एक नॉर्मल पर्सन के लिए जितना वो बियर कर सकता है उससे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन दिल्ली का पहुँच चुका था। तो ये सब डेवलपमेंट बेकार के हैं अगर आप एनवायरनमेंट को साथ में लेकर नहीं चल पाएंगे। बहुत ही स्पेसिफिकली कहा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है डिक्रीजिंग द एब्सोल्यूट पॉवर्टी ऑफ द पुअर बाय प्रोवाइडिंग लास्टिंग एंड सिक्योरिंग लाइवलीहुड। यानी कहने का मतलब है कि इस तरह से डेवलपमेंट करो कि ताकि जो रिसोर्स है वो गरीब से गरीब पर्सन को आप पहुंचा पाओ। ऐसा ना हो कि एक रिच और पुअर की कैटेगरी में सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन रिच कर लें, पुअर ना कर पाएं। ऐसा ना हो रिच और पुअर दोनों को ही, यानी ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पर गरीब से गरीब पर्सन भी इन्वॉल्व हो, उसको भी रिसोर्सेज का फ़ायदा मिले। क्योंकि आज क्या होता है, आज गरीबों के पास प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर सूखा पड़ता है वो बेचारे प्यास से मरते हैं, तो इन सब सिचुएशन को डील करने की ज़रूरत है।
अब ये कुछ पॉइंट्स हैं कि जो हम प्रेजेंट जनरेशन शुड प्रमोट डेवलपमेंट दैट इन्हेंसेज द नेचुरल एंड बिल्ट इन्वायरमेंट इन वेज दैट आर कॉम्पैटिबल विद. अब हमें जो डेवलपमेंट करना चाहिए कैसा करना चाहिए, इस तरह का कि नेचुरल एसेट्स जो हैं हमारे उनका कंजर्वेशन हो और जो रीजनरेटिव कैपेसिटी हो उसको प्रिजर्व करके रख सकें, यानी जो हमारा जो हमारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो रीजनरेट करते हैं तो उनकी जो रीजनरेटिव कैपेसिटी हो ऐसा ना हो कि वो घट जाए, उसका ध्यान रखें. अवॉइडिंग द इम्पोजिशन ऑफ एडिड कॉस्ट और रिस्क ऑन फ्यूचर जनरेशन, यानी ऐसा ना हो हम अपना खर्चा निकाल लें, हम अपना रिसोर्सेज यूज़ कर लें और जो फ्यूचर जनरेशन आए उस पर कॉस्ट बढ़ जाए. उस पर कॉस्ट कैसे बढ़ेगी, अब जैसे कि मान लीजिए अगर हम इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ा देंगे तो पॉल्यूशन बढ़ने से लंग्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लंग्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो आने वाली फ्यूचर जनरेशन का हेल्थ ख़राब होगी तो उनका हेल्थ कॉस्ट बढ़ जाएगा. ठीक है, अब हरमन डेली कहते हैं अ लीडिंग इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए ये सब करने की ज़रूरत है. ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करिए ताकि जो कैरिंग कैपेसिटी है एनवायरनमेंट की, यानी जो लोगों को झेल सकती है वो ह्यूमन पॉपुलेशन उसके अंडर आए, उसको क्रॉस ना करे. टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हो ताकि जो भी आप इनपुट ले रहे हैं यानी जो भी रिसोर्सेज ले रहे हैं वो एफिशिएंट हों, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हों वो एक्सट्रैक्ट करे जाएँ सस्टेनेबल बेसिस पे, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्सट्रैक्ट ना करे जाएँ, इतने रेट पर करे जाएँ ताकि वो जो रेट ऑफ रीजनरेशन है उसे एक्सीड ना करें, वरना इन्वायरमेंट पे बर्डन पड़ेगा तो क्राइसिस होनी ही होनी है. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए जो रेट ऑफ डिफ्लेशन है शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट्स, ये सब अभी बात करते हुए आए हैं. इनएफिशिएंसीज अराइजिंग फ्रॉम पॉल्यूशन शुड बी करेक्टेड, अब जो पॉल्यूशन की वजह से इनएफिशिएंसीज आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सबको निपटाने की ज़रूरत है. अब स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, स्ट्रेटजीज में आप नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे हम लोगों ने बात करा था सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब यूज़ कर सकते हैं. एलपीजी, गोबर गैस इन रूरल एरियाज, तो रूरल एरियाज़ में एलपीजी के लिए एलपीजी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम चलाई है, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें करीब 5 करोड़ लोगों को टारगेट किया गया था, पहले 5 फिर 8 अब शायद सारे गरीबों के लिए टारगेट किया गया है कि गरीबों को एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में दिया जाए. उससे क्या होगा, अगर गरीब लोग एलपीजी यूज़ करेंगे तो वो लोग लकड़ियाँ कम जलाएंगे जिससे पॉल्यूशन कम होगा. और गोबर गैस का भी कंसेप्ट है कि जो वेस्ट होता है उसको यूज़ करके गैस बनती है जो कि एक एनर्जी प्रोड्यूस करती है, तो वो कंसेप्ट भी रूरल एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा कम होगा. इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा कम होगा तो आप का थर्मल पावर प्लांट पे लोड कम पड़ेगा जिसकी वजह से आप कोल बचा पाएंगे. अर्बन एरियाज़ में सीएनजी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका दिल्ली में जितनी भी ऑटोज़ हैं और आपकी जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस हैं वो सब सीएनजी पे चलती हैं. सीएनजी में पॉल्यूशन बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है कंपेयर टू पेट्रोल डीजल वगैरह. विंड पावर का यूज़ कर सकते हैं, ये भी विंड पावर, सोलर पावर प्लांट्स, ये सब भी आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आ जाते हैं. नेक्स्ट इज़ मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स, यानी कई ऐसे एरियाज़ हैं जो आपके जैसे माउंटेनियस रीजन जहाँ पे झरने वगैरह हैं, जहाँ पे पानी का फ्लो है, उस पानी का फ्लो यूज़ करके आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लगा सकते हैं ताकि उतने एरिया को छोटे छोटे ताकि उतने एरिया को आप एनर्जी प्रोवाइड कर सकें. क्योंकि हिली एरियाज़ में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर आपका जो पावर ग्रिड बिठाना और जो वायरिंग वगैरह करी जाती है उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो उस खर्चे से बच सकते हैं अगर हम लोग ये मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स लगाएं, सोलर पावर का यूज़ करें. और जो कन्वेंशनल तरीका है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का उसमें आपका ट्रांसमिशन लॉसेस भी हमने पढ़े थे काफ़ी होते हैं, तो ये सब सिचुएशन से. ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, अब ट्रेडिशनल नॉलेज मैं आपका जैसे हम लोग अगर अपने एंशिएंट इंडिया की बात करें तो हम लोग मेडिसिनल हर्ब्स यूज़ करते थे, यानी हम लोग नेचर के साथ चलते थे, जैसे आपका तुलसी,
गिलो, ये सब नेचुरल मेडिसिन्स हैं जो हम लोग अपने आपको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते थे, बिसाइड्स यूजिंग द केमिकल्स विच वी आर यूजिंग नाउ इन एलोपैथिक डीज। तो अगर केमिकल्स का यूज़ करेंगे, नेचुरली मेड प्रोडक्ट्स का यूज़ ज़्यादा करेंगे, तो हमारी हेल्थ पे निगेटिव इम्पैक्ट भी कम पड़ेंगे और हम नेचर को भी कहीं ना कहीं बचा पाएंगे। बायो कंपोस्टिंग यूज़ कर सकते हैं, यानी आपका जो भी कंपोस्ट बने, जो भी मैन्योर बने, वो आप किससे बनाएं, बायोलॉजिकल वेस्ट से बनाएं, जैसे एनिमल डंग और उसके साथ साथ जो भी आपका पेड़ पौधे जो ख़राब हो जाते हैं, उनके जो वेस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह, इन सबको यूज़ करके आप बायो कंपोस्टिंग कर सकते हैं। बायो पेस्ट कंट्रोल में आप कर सकते हैं कि जितने भी आप पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाते हैं, तो वो नेचुरल पेस्टिसाइड्स हों, जैसे नीम वगैरह का यूज़ करके, या फिर जैसे स्नेक्स वगैरह का यूज़ करते हैं जो कि रैट्स वगैरह को खा जाते हैं, तो उसके लिए आपको केमिकल पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नेचुरल इंसेक्ट्स जो कि आपके जो फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, तो उनको खाने के लिए भी कुछ नेचुरल इंसेक्ट्स हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्नेक्स वगैरह, और उसके साथ साथ कुछ नीम वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके पेस्ट को, जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं जो कि क्रॉप्स का नुकसान पहुंचाते हैं, उनको कंट्रोल करता है। तो कंक्लूजन में तो बस इतना ही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज के वक्त में बहुत ज़रूरी हो गया है, और जो हमारी डेवलपमेंट थिंकिंग है उसमें भी चेंज करने की ज़रूरत है। दो इट हैज़ बीन इंटरप्रेटेड इन अ नंबर ऑफ वेज, एडेरेंस टू दिस पाथ एंश्योर्स लास्टिंग डेवलपमेंट। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पाथ पे टिकेंगे, तभी जाके हम कहीं ना कहीं अपने लिए लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट कर पाएंगे, जो कि हमारे लिए भी बेटर रहेगा और इन्वायरमेंट के लिए भी, और इन्वायरमेंट के लिए बेटर रहेगा, तो कहीं ना कहीं हम अपना जो डेवलपमेंट है उसको लंबे टाइम तक सस्टेन करके रह सकते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इफ़ यू लाइक द लेक्चर, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।